ये पार्ट हम देखते हैं, फोर्थ चैप्टर है, द टेल ऑफ द विश्नोई। तो द टेल ऑफ द विश्नोई यानी हम कह सकते हैं कि विश्नोइयों की कहानी। तो विश्नोइयों की कहानी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि टुडे टुडे मारवाड़ इज ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक। तो ये बताया गया है टुडे आज मारवाड़ इज ए ट्रीलेस यानी मारवाड़ में कोई पेड़ नहीं है, वेस्ट ऑफ लैंड यानी भूमि है, यानी हम कह सकते हैं कि वेस्ट ऑफ लैंड का मतलब हो गया बंजर भूमि जो कोई काम, और रॉक्स रॉक्स मतलब चट्टान। तो आज मारवाड़ की जो भूमि है वो बंजर भूमि है, चट्टाने हैं यहाँ पर, और ट्रीलेस है यानी यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है, वृक्ष विहीन भूमि है आज। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थ्रोनी शर्ब्स। तो यहाँ पर द ओनली यहाँ पर केवल ग्रोइंग थिंग्स जो बढ़ती हुई या जो बढ़ रही हैं वो क्या है, थ्रोनी शर्ब्स। थ्रोनी शर्ब्स का मतलब है जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, थ्रोनी मतलब कांटेदार और शर्ब्स मतलब झाड़ियाँ। तो जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं वही यहाँ पर बढ़ रही है। ए फ्यू टफ्ट्स, तो टफ्ट्स मतलब होता है गुच्छा। ए फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ क्या है यहाँ पर, टफ्ट्स गुच्छा है, शॉर्ट रफ ग्रास यानी कि जो छोटी घास के गुच्छे हैं यहाँ पर कुछ वो हैं, एंड ओकेजनल स्टंटेड। तो ओकेजनल स्टंटेड बीर और दी वावुल ट्री। तो यहाँ पर होता है स्टंटेड होता है जो अर्ध विकसित होता है, जो थोड़ा बहुत विकसित होता है थोड़ा बहुत नहीं होता है, यानी जो आधा बढ़ता होगा हुआ है उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया स्टंटेड। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ यहाँ पर आधे उगे हुए क्या हैं, पेड़ हैं वीर। तो यहाँ पर कुछ आगे आधे उगे हुए हैं अर्ध विकसित क्या है, बेर हैं, बेर के जो पेड़ होते हैं उनके लिए उपयोग किया गया है, और बबूल ट्रीज तो कुल या कुछ यहाँ पर बबूल के वृक्ष भी हैं। तो ये यहाँ पर बता रहा है कि द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थ्रोनी सर्व यानी यहाँ पर उगने वाली केवल क्या है, जो उगने वाली केवल जो चीज़ें हैं उनमें कांटेदार झाड़ियाँ हैं, एंड फ्यू टब्स यानी कुछ थोड़ी बहुत क्या है घास के गुच्छे हैं, टब्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास यानी कुछ घास के गुच्छे हैं, एंड ओकेजनली स्टंटेड और यहाँ पर ओकेजनल होता है जो संयोग से या कोई वजह से, यानी ये नहीं होना चाहिए फिर भी संयोग से हो रहा है, कि संयोग बस यहाँ पर स्टंटेड बेर यानी अर्धविकसित यहाँ पर बेर के पेड़ हैं, एंड और अथवा हम कह सकते हैं बेर को पेड़ को अथवा बम्बूल ट्रीज यानी कि बम्बूल के वृक्ष हैं। वट परंतु इनक्रेडिबली यू कैन, परंतु इनक्रेडिबली इनक्रेडिबली होता है अविश्वसनीय रूप से, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। बट इनक्रेडिबली यू कैन लेकिन तुम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा अविश्वसनीय रूप से, इवन इन दिस डेजर्ट यानी कि इस रेगिस्तान में भी, कम अक्रॉस द ऑड विलेज यानी कि तुम पुराने गांव की तरफ आओ, कम अक्रॉस द ऑड विलेज विथ ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री। तो जब आप यहाँ पर कहाँ आते हो, पुराने गांव की तरफ आते हो, तो पुराने गांव की तरफ यहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, खेजड़ी के पेड़ मिलेंगे, ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्री। तो यहाँ पर ग्रोव्स, ग्रोव का मतलब होता है बड़ी संख्या में, कुंज टाइप में होता है, बड़ी संख्या में जो वृक्ष होते हैं उनके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है ग्रोव। तो ये बताना चाह रहा है कि आपको यहाँ पर अविश्वसनीय रूप से आश्चर्य होगा, इनक्रेडिबली यू कैन, तुम्हें यहाँ पर अविश्वसनीय होगा, अविश्वास होगा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, इवन इन द डेजर्ट, इस रेगिस्तान में,
कैम अक्रॉस दी ओल्ड विलेज, जब तुम पुराने गांव की तरफ आते हो या पुराने गांव की तरफ रेगिस्तान में जब जाते हो तो वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा? विथ क्रॉप्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, यानी वहां पर बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं और बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष हैं वो उगे हुए हैं। नेक्स्ट हम देखें, दिस कजन ऑफ दी बम्बूल इज कल्प वृक्षा। तो कजन मतलब होता है जैसे हमारा, जैसे इंसानों के कजन होते हैं उसी तरीके से इसके लिए उपयोग किया गया है कि ये किसका, दी कजन ऑफ दी बम्बूल, यानी कि बम्बूल की वृक्ष प्रजाति का है, बम्बूल की प्रजाति का है ये खेजड़ी का जो वृक्ष है, ये क्या कहलाता है? कल्प वृक्ष, यानी इसको हम कल्प वृक्ष कहते हैं। तो बम्बूल की जाति का ये वृक्ष है जो खेजड़ी का वृक्ष है, इसको क्या कहा जाता है? कल्प वृक्ष यहाँ पर कहा जाता है, वृक्ष है। फिल्स ऑल विशेज, यह जो पेड़ है वो क्या करता है? सारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति करता है। यानी ये पेड़ किस नाम से जाना जाता है? ऐसा पेड़ जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हो वो कहलाता है कल्प वृक्ष। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि दी ट्री दैट इच्छाएं पूरी करता है। तो जो फुल ग्रोन, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पूर्ण बड़ा हुआ, ग्रोन बड़ा हुआ कैमल, जो क्या है, ऊंट है, पूर्ण वयस्क जो ऊंट है, जैसे कि फुल ग्रोन मैन के लिए हम पूर्ण वयस्क आदमी का उपयोग करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ये फुल ग्रोन कैमल यानी पूर्ण बड़ा हुआ पूर्ण वयस्क यहाँ पर ऊंट है, कैन एंजॉय यानी कि एंजॉय कर सकता है, आनंद ले सकता है। ए मिड डे सीस्टा इन इट्स शेड, यानी कि इसकी जो छाँव है, खेजड़ी के वृक्ष की जो छाया है, इसमें मिड डे यानी कि दोपहर के समय इसमें आराम कर सकता है। इट्स फॉलिग्यू, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ये आनंद, सीस्टा मतलब नींद ले सकता है, आराम कर सकता है, उसके लिए यहाँ पर ऊँट का उपयोग किया गया है, शेड मतलब छाया के अंदर। और फिर यहाँ पर बात किया गया है, फॉलेज हो गया, यहाँ पर किसके लिए उपयोग किया गया? फॉलेज, फॉलेज पत्तियों और शाखाओं के लिए उपयोग किया गया है, फॉइल एज, फॉलेज मतलब पत्तियां और शाखाएं। इट्स फॉलेज न्यूट्रिशेज गॉड, गॉड मतलब हो गया ये बकरियों के लिए, न्यूट्रिशेज यानी जो पोषण होता है उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया, जो पोषण की पूर्ति के लिए उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि एक पूर्ण वयस्क ऊंट है वो उसकी छाया में दोपहर के समय आराम कर सकता है, और इसकी जो पत्तियों की न्यूट्रिशेज गॉड, जो इसकी पत्तियां हैं या फिर इसकी जो शाखाएं हैं वो किसके लिए खाने काम आती हैं? गॉड यानी बकरियों के लिए खाने के काम आती हैं। न्यूट्रिशेज, न्यूट्रिशेज मतलब उनको पोषण प्रदान करती है, किसको पोषण प्रदान करती है? ये गॉड बकरी को, शीप भेड़ को पोषण प्रदान करती है, कैटल जो भी मवेशी होती है उनको ये पोषण प्रदान करती है, पत्तियां और टहनियां, एंड कैमल और ऊंट को भी ये पोषण प्रदान करती है। इट्स पॉन्ड्स कैन बी मेड इनटू ए डेलिशियस करी। तो इट्स पॉन्ड्स, पॉन्ड्स मतलब हो गया यहाँ पर जो इसकी फली है, तो इसकी फली का हम क्या करते हैं? तो खेजड़ी वृक्ष की जो फली है, इट्स पॉन्ड्स यानी इसकी फली, कैन बी मेड इनटू ए डेली, इसकी एक बहुत ही डेलिशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा स्वाद होता है उसके अंदर, उसके लिए उपयोग किया गया है। डेलीशियस करी, करी हम जो कढ़ी बनाते हैं उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है, कि यहाँ पर इसकी जो फली है उससे स्वादिष्ट कढ़ी बनाई जाती है, जो हम घरों में कढ़ी बनाते हैं उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है। एंड और इट्स थ्रोन गार्ड्स द फार्मर फील्ड अगेंस्ट अगेंस्ट मैरोडिंग एनिमल्स। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो इसके कांटे हैं, इट्स थ्रोन गार्ड, ये इसके कांटे हैं सुरक्षा देने देते हैं, फार्मर फील्ड में मतलब किसान के खेत की, यहाँ पर जो इसके कांटे हैं इसके प्रति अग्नेश दी, यहाँ पर बताया गया है अग्नेश दी मैरोडिंग एनिमल, जो आवारा या उजाड़ने वाले जो पशु हैं उनसे किसानों के खेत की रक्षा कौन करता है? जो खेजड़ी के कांटे होते हैं वो उनकी रक्षा यहाँ पर करते हैं।
नेक्स्ट हम देखें, वंस अपॉन ए टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, वंस अपॉन ए टाइम यानी किसी समय या एक समय की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ जो मारवाड़ का रेगिस्तान है, हैड नॉट इवन कंकोर्ड द वास्ट, यानी कि इतने विशाल क्षेत्र में ये फैला हुआ नहीं था, हैड नॉट यट कॉनकोर्ड, कॉनकोर्ड मतलब हो गया जो फैला हुआ था, तो एक समय की बात है कि ये इतने विशाल मैदान में यहाँ पर ये फैला हुआ नहीं था, कॉनकोर्ड मतलब फैला हुआ, दी वास्ट इतना बड़ा, टेट हॉल्ड्स स्वे टुडे, यानी जितना वो आज फैला हुआ है इतना वो पहले के समय फैला हुआ नहीं था, उस समय की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक समय की बात है कि मारवाड़ का जो रेगिस्तान है इतने विशाल क्षेत्र में फैला हुआ नहीं था जितना आज फैला हुआ है, तो जितना आज फैला हुआ है उसके कंपेरिजन में थोड़ा बहुत कम फैला होगा, लेकिन इतना ये फैला हुआ नहीं था। इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम एज इट्स वाज टुडे, और फिर भी यहाँ पर जो वातावरण है, क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब हम कह सकते हैं जो मौसम है, वो उसी तरीके का था जैसा आज है, लेकिन फिर भी रेगिस्तान इतना फैला हुआ नहीं था। क्यों फैला हुआ नहीं था वो यहाँ पर बताया, कवर्ड बाई ट्री, यानी जो भूमि है उस पर हजारों हजार पेड़ हैं, इसके लगे हुए थे खिजड़ी के पेड़ यहाँ पर लगे हुए थे, एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ वेर, और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वेड़ थे, खेर और सांगरी थी, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर वेड़ थे, केर थे और सांगरी थी, तो ये सभी सब्जी बनाई जाती है और ये बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पर पाए जाते थे। दीज प्लेन्स वर होम टू थाउजेंड्स ऑफ एंटीलॉप्स, एंटीलॉप्स हो गया जो वारसिंगा है उसके लिए उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर इस मैदान में, प्लेन्स मतलब मैदान में, तो इस मैदान में क्या क्या पाए गए थे, दीज प्लेन वर होम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंटीलॉप्स मतलब वारसिंगा, हजारों वारसिंगाओं का घर था, यानी कि हजारों यहाँ पर काले हिरणों का घर था, चिंकारा हजारों का चिंकाराओं का घर था, एंड नीलगाय हजारों नीलगायों का ये घर था, एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल व्हील, और बाउंटी मतलब होता है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में या बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या रहे थे, एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल व्हील, और यहाँ पर व्हील जाती है वो भी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में रहती थी, जो आदिवासी व्हील है यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर रहते थे, कब रहते थे, जब यहाँ पर हजारों खिजड़ी के पेड़ थे, तब की ये बात बता रहा है। नेक्स्ट हम देखें, अबाउट 3000 ईयर अगो, यानी 3000 साल पहले की बात है, 3000 साल पहले, हॉर्डीज ऑफ कैटल्स कीपर विगेन टू पोर इनटू एशिया, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि हॉर्डीज मतलब हो गया बड़ी मात्रा में, तो बड़ी मात्रा में जो कैटल कीपर हैं, कैटल कीपर हो गया यहाँ पर जो पशुपालक हैं, जो पशु रखने वाले हैं उनके लिए उपयोग किया गया है, तो बड़ी मात्रा में जो पशुपालक हैं वो क्या करते हैं, 3000 साल पहले की बात है, वो बड़ी मात्रा में पशुपालक कहाँ से कहाँ जाते हैं, पश्चिम एशिया से सेंट्रल एशिया की तरफ जाते हैं, इंडिया फ्रॉम वेस्ट एशिया, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यानी पश्चिमी एशिया तथा मध्य एशिया से बड़ी संख्या में भारत में आने लगे थे, पोर इंटू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यानी पश्चिम और मध्य एशिया से जो बहुत बड़ी मात्रा में क्या थे, कैटल कीपर जो पशुपालक हैं वो बड़ी संख्या में भारत आने लगते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, विगेन टू पोर करना यानी आना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है, सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मेवाड़, और स्प्रेड मतलब होता है फैलना, तो कुछ उनमें से कहाँ फैल जाते हैं, मेवाड़ में चले जाते हैं, यानी मेवाड़ में फैल जाते हैं, दी व्हील्स रेसिस्टेड दियर इनक्रोचमेंट, तो यहाँ पर क्या करते हैं, व्हील हैं इसका प्रतिरोध करते हैं, उनका जो इनक्रोचमेंट है उनके अतिक्रमण का यहाँ पर विरोध करते हैं, इनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण,
किसी चीज पर अधिकार कर लेते हैं उसको यहाँ पर बोला जाता है अतिक्रमण, यानी जब उसका पर कानूनी अधिकार नहीं होता है फिर भी उसको अतिक्रमण कर लिया जाता है, उस पर अधिकार कर लिया जाता है, उसको बोला जाता है इनक्रोचमेंट। तो यहाँ पर व्हील है वो रजिस्ट्रेड यानी कि इसका विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं, इसका अतिक्रमण का प्रतिकार करते हैं। बट द इन्वेडर हैड हॉर्सेज एंड सुपीरियर वीपन एंड दी प्रीटी सून। तो यहाँ पर जो आने वाले थे यहाँ पर, बट परंतु दी इन्वेडर, इन्वेडर जो आक्रमणकारी थे, आक्रमणकारियों के पास में क्या थे, हेड हॉर्सेज उनके पास घोड़े थे, सुपीरियर वीपन यानी कि उनके पास में श्रेष्ठ हथियार थे, इसलिए वो क्या करते हैं प्रेटिस व्हील, तो शीघ्र ही वो भीलों पर क्या कर लेते हैं काबू पा लेते हैं, तो यानी भीलों को वो हरा देते। दी लैंड अपियर्ड बाउंडलेस एंड दी व्हील रिट्रीटेड ए लिटिल टुवार्ड्स दी अरावलीज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनके पास जब श्रेष्ठ हथियार थे, भीलों पर काबू पा लिया था, तब इन एनी केस, तो फिर भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं द लैंड अपियर्ड बाउंडलेस, यानी जो भूमि है वो क्या है असीमित प्रतीत होती है, बाउंडलेस यानी जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, असीमित ये भूमि यहाँ पर प्रतीत होती है। और दी व्हील रिट्रीटेड ए लिटिल टुवार्ड्स दी अरावली, और व्हील लोग हैं यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की ओर पीछे हट जाते हैं। रिट्रीटेड, रिट्रीटेड का मतलब होता है कि वो क्या है पीछे हट गए हैं, तो व्हील लोग हैं यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की तरफ पीछे हट जाते हैं। दी पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन दी इंक्रीज, और मारवाड़ की जो पॉपुलेशन है, मारवाड़ की जो जनसंख्या है वो अब बढ़ने लगती है। तो भील यहाँ पर जब पीछे हट जाते हैं तो फिर मारवाड़ की जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। वट एज सेंचुरीज पास्ड, और फिर यहाँ पर क्या होता है सेंचुरीज पास्ड यानी कि कुछ शताब्दियां यहाँ पर गुजरती हैं। वट एज सेंचुरीज पास्ड, कुछ शताब्दियां गुजरती हैं, द लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट दी वेजिटेशन। तो जो जो यहाँ पर शताब्दियां व्यतीत होती हैं, शताब्दियां गुजरती हैं, तो दी लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल यानी कि जो पशुओं का बड़ा समूह था वो क्या करता है बिगेन टू अफेक्ट दी वेजिटेशन, वनस्पति को प्रभावित करना वो स्टार्ट कर देता है। तो जब शताब्दियां बीत जाती हैं तो पशुओं के बड़े हुए बड़े समूह की वजह से वनस्पतियों को प्रभावित वो करने लगते हैं। और क्या होता है दी सीडिंग एंड सैम्पलिंग वर ग्रेज्ड डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो। तो यहाँ पर जो भी सीडिंग थे, सीडिंग मतलब जो अंकुरित पौधे थे, छोटे पौधे थे, सैम्पलिंग यानी छोटे जो पौधे थे आर ग्रेज्ड डाउन, उनको यहाँ पर चर लिया गया, किसके द्वारा चर लिया गया, जो पशु थे उनके द्वारा इनको चर लिया जाता है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत संभावना उनकी रहती है, थोड़ा बहुत चांस उनका रहता है बढ़ने का, क्योंकि तो पशुओं के द्वारा वो चर लिए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उनका चांस रहता है कि वो बढ़ सकते हैं। इन्वेडर केवल व्हील यानी जो जनजातीय व्हील थे वो उनके लिए क्या हो रहा था फाउंड लेस एंड लेस टू सस्टेन देमसेल्फ, अपने आप को जीवन को बनाए रखना उनके लिए क्या हो रहा था कठिन हो रहा था। सस्टेन देमसेल्फ यानी अपने आप को बनाए रखना आक्रमणकारियों के लिए और व्हीलों के लिए यहाँ पर कठिन प्रतीत हो रहा था, कठिन लग रहा था। फाइनली अंत में दी 13th सेंचुरी यानी 13वीं शताब्दी में क्या होता है, अंत में 13वीं शताब्दी में सादी फाइनल कॉन्क्विस्ट ऑफ व्हील बाई राठौड़ ऑफ कन्नौज। तो यहाँ पर 13वीं शताब्दी में क्या होता है कन्नौज के राठौड़ के द्वारा भीलों पर अंतिम विजय होती है, फाइनल कंक्लूड, कंक्लूड कंक्विस्ट मतलब होता है विजय, तो यहाँ पर अंतिम विजय किसकी होती है कन्नौज के राजा की यहाँ पर होती है, यानी कन्नौज का जो राजा था, कन्नौज का जो राठौड़ थे, व्हील्स बाई ऑफ द व्हील बाई दी राठौड़ ऑफ कन्नौज, यानी कन्नौज के राठौड़ ने यहाँ पर भीलों पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली थी, यानी कि फाइनल विजय किसकी होती है कन्नौज के राठौड़ की यहाँ पर फाइनल विजय होती है। दी राजपूत नाउ रूल्ड दी हॉल ऑफ मेवाड़,
और जो भी यहाँ पर पूरा मारवाड़ था उस पर राजपूतों का शासन हो जाता है। दी राजपूत नाउ यानी कि अभी रूल्ड शासन करते हैं दी होल ऑफ मारवाड़, पूरे मारवाड़ पर अब राजपूत है शासन करते हैं। फिर बात करते हैं इन द ईयर 1451 यानी कि सन 1451 में ड्यूरिंग दी रीजन ऑफ राव जोधाजी, तो राव जोधाजी के शासनकाल की बात है सन 1451 में, राव जोधाजी के शासनकाल की बात है। वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग यानी राठौड़ किंग में क्या थे, सबसे वीर राठौड़ राजाओं में से एक थे राव जोधाजी, उनके शासनकाल की ये बात है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बॉर्न इन दी विलेज ऑफ पीपासर यानी पीपासर के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे का जन्म होता है, एक असाधारण होता है। कौन से गांव, एक असाधारण बच्चे का यहाँ पर जन्म होता है। हिज फादर वाज दी हेडमैन ठाकुर लोहत, तो उसके जो पिताजी थे वो सरदार ठाकुर थे लोहट, तो उनके पिताजी का नाम क्या था, सरदार ठाकुर लोहट। एंड हिज मदर वाज हेमसा देवी, और उनकी माता का नाम यहाँ पर क्या दे रखा है, हेमसा देवी दे रखा है, इसको बोलेंगे हम हंसा देवी। तो उसकी माता का नाम हंसा देवी था और उनके पापा का नाम क्या था, उसके पापा का नाम सरदार ठाकुर लोहत, उनके पिताजी का नाम था, उनकी माता का नाम हंसा देवी था। बॉय वाज कॉल्ड करा जाता था एज ए लिटिल बॉय, और जब वह छोटा था ही वाज गिवन दी टास्क टू टू, जब छोटा था तो उसे अपने पिता की मवेशी और भेड़ों के बड़े झुंड को चराने का यहाँ पर काम दिया गया था। तो काम दिया जाता है, क्या काम दिया जाता है, लुकिंग आफ्टर हिज फादर लार्ज यानी उसके पिताजी के बाद, यानी कि उसके जो पिताजी हैं वो क्या काम देते हैं, लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल यानी जो झुंड होता है, हर्ड्स ऑफ कैटल मवेशियों का झुंड या फिर भेड़ों का झुंड। तो यहाँ पर भेड़ों के झुंड और जो मवेशियों के झुंड थे उसको चराने का काम उसको दिया जाता है। तो जो भी उसके पिता के थे मवेशी और भेड़ों का झुंड उसको उनको चराना था। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल आउट ग्रेजिंग, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि ये ग्रेट फन मतलब बहुत आनंद देने वाला, तो ये पशुओं को चराने के लिए ले जाना ये बहुत आनंददायक था। लाई इन दी शेड छाया में सोना, लाई मतलब सोना, लेटना, छाया में लेटना पशुओं को चराने के लिए ले जाना बहुत आनंददायक था। ऑफ द खिचड़ी ट्री लाई ऑन दी शेड ऑफ खिचड़ी ट्री यानी कि जो खिचड़ी का पेड़ है उसकी छाया में सोना पशुओं को चराने के लिए ले जाना। एंड वॉच दी हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक और यहाँ पर जो काले हिरण थे उनके झुंड को देखना। एंड जम्बाजी वाज फैसिनेटेड, तो यहाँ तक हम देखें कि जब वो क्या है जानवरों को ले जाता था चराने के लिए तो उसके लिए बड़ा आनंददायक था कि वो एक जानवरों को ले जाता था चराने के लिए, और खिचड़ी के पेड़ की छाया के नीचे सोता था आराम करता था, और वहां पर वो क्या करता था काले हिरणों को झुंड को भी वहां पर वो देखता था। तो ये सब उसको बहुत आनंद देने वाला था। फिर बात करते हैं जम्बाजी वाज फैसिनेटेड बाई लीची ग्रेस, तो जम्बाजी है यहाँ पर क्या करता है, फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब होता है मोहित होना, किसी चीज के लिए ललायत होना मोहित होना उसके लिए उपयोग किया गया है। जम्बाजी वाज फैसिनेटेड बाई लिची लाइद, तो ये लाइद है लाइद ग्रेस, लाइद मतलब हो गया यहाँ पर, लाइद हो गया यहाँ पर शान से कुछ काम करते हैं, तो यहाँ पर शान से चलना हो गया लाइव, तो जम्बाजी है मोहित हो जाता है यानी उससे इम्प्रेस हो जाता है। फैसिनेटेड इम्प्रेस भी हम यूज कर सकते हैं कि उससे मोहित हो जाता है इम्प्रेस हो जाता है या ललचाइत हो जाता है, किससे, शान से चलने के, किसके शान से चलने से, लाइद ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटीलॉप, तो जो बाढ़ सिंगा था सुंदर बाढ़ सिंगा था उसके चाल को देख करके जम्बो जी है
वो मोहित हो जाता है या उसको बहुत क्या लगता है, ललचाए यानी कि ललचा जाता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। किसको देख करके? वारसिंगे को देख करके। ऑन दिस हैंडसम एंटीलॉप एंड टॉट दैट देयर वॉज नो साइट मोर मोर एंथ्रोलिंग, एंथ्रोलिंग मतलब सुंदर हो गया यहाँ पर, मोर नो साइट मोर एंथ्रोलिंग देन ए फाइट। स्टैग्स यहाँ पर हो गया, जो हिरण होते हैं नर हिरण, उनके लिए यहाँ पर उपयोग किया गया है कि जम्भा जी को एक तो यहाँ पर हैंडसम एंटीलॉप यानी सुंदर जो बारसिंगा थी उसकी चाल पसंद थी, और दूसरा उसको क्या पसंद था, एंड थॉट दैट, और वो सोचता है कि देयर वाज ए नो साइट मोर एंथ्रिलिंग यानी कि इस दृश्य से सुंदर कुछ भी नहीं है दुनिया में। कौन से दृश्य सुंदर? एंथ्रालिंग मतलब सुंदर, मोर एंथ्रालिंग यानी ज्यादा सुंदर, इस दृश्य से ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है। कौन सा दृश्य बता रहा है? देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टैग, जब दो नो दो क्या होते हैं, नर हिरण जब लड़ते हैं, दो व्यस्क नर हिरण जब लड़ते हैं, तो उस टाइम पर जो दृश्य होता है उससे बड़ा और उससे सुंदर दृश्य यहाँ पर कोई भी नहीं है, उससे अच्छा सुंदर दृश्य हो ही नहीं सकता, ऐसा जम्बाजी सोचता है। वहीं जम्बाजी वाज 25 ईयर ओल्ड, तो जब जम्बाजी कितने साल का था, 25 साल का था, तो जब जम्बाजी यहाँ पर 25 साल के हो जाते हैं, एक ग्रेट डिजास्टर ओवरलुक दी होल रीजन, तो ये पूरी क्या है क्षेत्र में एक बड़ी विपदा आती है, डिजास्टर, डिजास्टर मतलब होता है विपदा, तो यहाँ पर एक बड़ी डिजास्टर आती है, बड़ी आपदा यहाँ पर आती है, ओवरटुक दी होल रीजन, क्षेत्र में बड़ी विपदा यहाँ पर आती है, दी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीड ऑल टुगेदर, तो जो थोड़ी बहुत यहाँ पर वर्षा होती थी वो भी यहाँ पर बिल्कुल बंद हो जाती है, कोई भी वर्षा यहाँ पर नहीं होती है, जो थोड़ी बहुत अल्प मात्रा में वर्षा नियमित रूप से हुआ करती थी वो भी यहाँ पर बंद हो जाती है, यानी वर्षा बिल्कुल नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है एक तरीके से। दी वर्स्ट सफर वर दी कैटल, तो यहाँ पर सबसे अधिक कष्ट है यहाँ पर किसको हुआ, पशुओं को हुआ, कैटल सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे थे, सबसे ज्यादा दुख इसको झेल रहे थे वो कौन थे, पशु थे। इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट यानी कि जो सूखा पड़ा था उसके पहले साल में, पहले वर्ष में, सूखे पड़ने के पहले वर्ष में, दे कुड ईट एंड बाजरा, ईट दी बाजरा, तब सूखे के पहले वर्ष में वे घर में रखे हुए बाजरे के भूसे को खाते हैं। कौन? पशु, जो भूसा होता है उसके लिए उपयोग किया गया, स्टोर, तो घर में यहाँ पर बाजरे का भूसा रखा हुआ था उसको पशु खाते हैं पहले साल में। फिर बात करते हैं दी सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और दूसरा साल है बहुत खराब था, देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ, कहीं पर भी घास का एक भी तिनका नहीं था, नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास यानी एक भी तिनका यहाँ पर नहीं था, लेफ्ट यानी बचा हुआ नहीं था, स्टैंडिंग एनीवेयर, कहीं पर भी एक भी घास का तिनका बचा हुआ नहीं था, और पीपल हैक्ड एट एनी ट्री दे कुड फाइंड एंड फीड दी एनिमल ऑन दी लीव्स, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या करते थे, पीपल हैक्ड एट एनी ट्री, तो हैक्ड का मतलब हो गया यहाँ पर काटना, तो पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाउंड, जो भी पेड़ लोगों को मिलता था उसको वो काट देते थे, कुड फाउंड यानी जो भी लोग पेड़ों को मिलता है, पेड़ लोगों को मिलता था उसको वो काट देते, हैक्ड, हैक्ड मतलब काट देते थे, एंड फीड दी एनिमल, और जो पेड़ की पत्तियां थी उन्हें क्या कर देते थे, वो जानवरों को चरा देते थे, तो लोगों को जो भी पेड़ मिलता उसको काट देते थे और उसकी पत्तियों को पशुओं को खिला देते थे। बट परंतु इवन सो देयर वॉज नॉट एनफ ब्राउज फॉर ऑल दी हंग्री, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये भी यहाँ पर पर्याप्त नहीं था, नॉट एनफ यानी पर्याप्त पर्याप्त नहीं था, क्या पर्याप्त नहीं था, ब्राउज, ब्राउज मतलब होता है चारा, फॉर ऑल दी हंग्री यानी जो भी भूख लगी हुई थी जानवरों को,
उसको मिटाने के लिए ये पर्याप्त नहीं था, हंग्री एनिमल यानी कि भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त नहीं था। एंड ड्रॉट कंटिन्यू फॉर 8 कंजुकेटिव ईयर, और लगातार जो सूखा था वो कितने सालों तक रहता है, लगातार 8 सालों तक रहता है। कंजुकेटिव मतलब लगातार ये सूखा 8 सालों तक पड़ता है। अब 8 सालों तक लोग क्या करें, तो यहाँ पर बताया गया है, तो लोग क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फॉलिक, लास्ट बिट ऑफ यहाँ पर फॉलिक, फॉलिज हो गया यहाँ पर, फॉलिज जो भी यहाँ पर क्या थी, जो भी पत्तियाँ थी, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको लोग काटना स्टार्ट कर देते हैं, और अंतिम टुकड़े तक लोग काटते जाते हैं। फ्रॉम ऑल दी ट्री यानी जितने भी पेड़ थे उनमें अंतिम जो झाड़ी थी, कोई शाखा थी, कोई पत्ती बची हुई थी, उस तक को लोग काट देते हैं। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैड, काटते हुए काटते हुए कहाँ तक लाते हैं, फ्रॉम ऑल दी ट्री यानी जितने भी पेड़ थे उनमें से पत्तियों को, शाखाओं को, सबको लोग काट देते हैं। विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, और फिर यहाँ पर अंत में ये सब सूखने लगते हैं, जो कि अंत में यहाँ पर सूखने लगते हैं, जो भी पेड़ थे सब सूख जाते हैं अंत में। वहन दी स्टोर्ड ग्रेन वाज एग्जीक्यूट, तो जब सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाता है एग्जीक्यूटेड, तो जब यहाँ पर जो अनाज इकट्ठा किया हुआ था, एकत्रित अनाज किया हुआ था, वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है, एग्जीक्यूटेड मतलब समाप्त हो जाता है। तो पीपल स्टार्ट क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, पीपल एट खेजड़ी पॉन्ड, तो पीपल हैं जो लोग हैं वो खेजड़ी की फलियों को खाना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या खाना, फ्लोर ऑफ ड्राइड वीर वेर सीड, और वो जो बेर के बीज होते हैं उसके आटे को खाना लग गए थे, यानी कि खेजड़ी की फलियों के आटे को खाने लग गए थे लोग। और जो बेर की गुठली होती है यानी कि बेर के बीज की जो गुठली होती है उसके आटे को लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन दिस टू वाज एग्जॉस्टेड, और जब यह भी खत्म हो जाता है तब लोग क्या करें, जब यह भी खत्म हो गया, यह भी समाप्त हो गया, तो लोगों ने क्या किया, दे टोर द बार्क ऑफ द सांगरी ट्री, कहते हैं टोर, टोर मतलब वो तोड़ते हैं, क्या तोड़ते हैं, जब ये भी खत्म हो गया था तो पेड़ों की छाल को वो क्या करते हैं, टोर करते हैं, यानी कि लोगों ने यहाँ पर सांगरी के वृक्षों की छाल यहाँ पर उतारी है। दे टोर दी बार्क ऑफ दी सांगरी ट्री, पेड़ों की जो सांगरी का पेड़ होता है उसकी छाल को लोगों ने उतारा है। एंड पाउडर्ड एंड कुकड, और फिर उसको पीस करके आटा बनाया और फिर उसको पकाया, कुकडेड और पकाया। दे हंटिंग नेटवर्क, और उन्होंने क्या हुआ, दे हंटेड, उन्होंने शिकार किया एवरी वन ऑफ द स्टार, जो भी यहाँ पर भूख से मर रहा था काला हिरण उसका वो शिकार करते हैं लोग। और एंड फाइनली, और अंत में abundant in masses, और अंत में जब क्या होता है सब कुछ खत्म हो जाता है तो क्या होता है, अंत में उन्होंने सभी आशाएं यहाँ पर छोड़ दी। They abandoned all hope, तो अंत में वो सभी आशाएं यहाँ पर छोड़ देते हैं और क्या करते हैं, abandoned मतलब कि छोड़ देना, और सभी आशाएं छोड़ने के बाद वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में migrated in masses, तो बड़ी मात्रा में वहां से प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना कहलाता है migrated, तो वो प्लान करना वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 10 ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ कैटल प्रीज्ड प्रीसेड, तो प्रीसेड हो गया यहाँ पर, पेरिस्ड मतलब नष्ट हो गए थे, तो 10 ऑफ द थाउजेंड यानी 10,000 के आसपास जो मवेशी हैं वो क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी, मर गए थे, पेरिस्ड, पेरिस्ड मतलब कि पेरिसेड हो गया, मर गए थे, तो 10,000 के आसपास मवेशी यहाँ पर मर गए थे, ऑन दी वे रास्ते में मर जाते हैं। वाई नाउ, और अब क्या होता है, जब 10,000 के आसपास यहाँ पर मार्ग में ही पशु हैं मर जाते हैं, वाई नाउ यानी कि इस समय तक, द होल कंट्री वाज वीरान, तो पूरा जो देश था, पूरा जो कंट्री था,
पूरा जो प्रदेश था वहां का वो क्या हो जाता है, वाज वीरान। वारेन मतलब हो गया जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बंजर हो गया था, तो पूरा प्रदेश वहां का था वो बंजर हो जाता है। देयर वाज नो साइट फॉर माइल्स टुगेदर, और वहां पर कई मीलों तक, अनेक मीलों तक एक भी वृक्ष यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। साइट ऑफ माइल्स टुगेदर, कोई भी गाय हमें दिखाई नहीं देती है कई मीलों तक, और ये ब्लैक बक, कोई भी एक भी हिरण वहां पर, काला हिरण भी हमें दिखाई नहीं देता है। तो अनेक मीलों तक यहाँ पर ना तो कोई पेड़ दिखाई देता ना हिरण यहाँ पर दिखाई देता है। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्क लाइक जम्बाजी फादर वाज हुज स्टोर ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू दी डिफिकल्ट टाइम। तो यहाँ पर केवल ऐसे व्यक्ति वहां पर रुके थे, द ओनली पीपल, तो ऐसे लोग वहां पर रुके थे, ऐसे लोग वर विग लैंड लॉर्ड, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, लाइक जम्बाजी फादर, जैसे कि जम्बाजी के जो पिता थे वो वहां पर रुके हुए थे, जो जब बड़े जमींदार थे, जैसे कि जम्बाजी के पिता बड़े जमींदार थे तो वो वहां पर रुके हुए थे। विथ हुज स्टोर ऑफ बाजरा, क्योंकि उनके पास बाजरे के बड़े भंडार थे, दैट समहाउ लास्टेड थ्रू द डिफिकल्ट टाइम, जो कि कठिन समय में जैसे तैसे ये चल पाया था, जो जम्बाजी के पिता ने बाजरे का जो स्टोर किया था, बाजरे का जो भंडार रखा था, वो कठिन समय में जैसे तैसे चल पाया था। फिर बात करते हैं हम, जम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाई दिस ड्रॉट। तो जम्बाजी है यहाँ पर, इस सूखे से जम्बाजी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज्यादा जम्बाजी को सदमा लगता है, गहरा दुख पहुंचता है, प्रभावित वो होते हैं। मैनी वर दी नाइट बिकॉज ऑफ दी सफरिंग ही सा अराउंड हिम, तो कई रात तक उन्होंने, अनेक रातें हैं यहाँ पर जाग कर बिताई है, यानी उनको नींद नहीं आई है, क्योंकि बिकॉज, क्योंकि ऑफ दी सफरिंग ही सा अराउंड हिम, क्योंकि उसने अपने चारों ओर जो कष्ट देखे थे उनके बारे में सोचकर उसको बहुत सारी रात तक, यानी कि अनेक रातों तक उनको नींद नहीं आती है, उनको रात को सोना नहीं होता है। दे डाइंग कैटल, तो मरते हुए पशु उनको दिमाग में आते रहते हैं। दी डाइंग कैटल, दी स्टार्विंग चिल्ड्रन, यानी कि भूख से तड़पते हुए बच्चे उनको याद आते रहते हैं। दे हंटेड हिम डे एंड नाइट, तो उनके दिमाग में ये विचार हैं यहाँ पर आते रहते हैं, कौन से, मरते हुए पशुओं के विचार आते रहते हैं, भूख से तड़पते बच्चों के विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं। एंड फाइनली, और अंत ऑफ 34, 34 साल की उम्र में ही हैड ए विजन, उन्हें यहाँ पर दिव्य दृष्टि दिखाई दी। तो 34 साल की उम्र में उनको क्या दिखाई दी, एक दिव्य दृष्टि उनको दिखाई देती है। ही सा मैन इंटॉक्सिकेटेड विथ हिज ओन पावर, तो उसने देखा कि जो आदमी है इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है कि नशे में चूर, तो जो आदमी है अपनी पावर की नशे में, अपनी शक्ति के नशे में क्या है, इंटॉक्सिकेटेड है, नशे में चूर है आदमी, अपनी शक्ति के नशे में चूर है। और डिस्ट्रॉइंग दी वर्ल्ड, वो क्या कर रहा है, मनुष्य अपनी शक्ति के मद में अपने चारों ओर के संसार को नष्ट करते हुए वो देखते हैं, चेंज इट ऑल, और उन्होंने इसको चेंज करने का, इसको बदलाव करने का निश्चय किया, और वो इसमें बदलाव करना चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो अपनी शक्ति के नशे में अपने चारों ओर के संसार को नष्ट कर रहा है। तो उसने सोचा कि इसको सबको हमें बदलना चाहिए, और वो उसको बदलने का क्या करते हैं, निश्चय करते हैं, डिसाइडेड टू चेंज इट, यानी कि वो निश्चय करते हैं चेंज इट ऑल, इन सभी को चेंज करने का, बदलने का। इफ लाइफ वाज टू फ्लरिश अगेन, और यदि जीवन की इसी सूनी भूमि पर पुनः फलना फूलना है, लाइफ वाज फ्लरिश अगेन इन दिस डिसोलेट लैंड, ये डिसोलेट का मतलब हो गया जो ये सूनी भूमि है, अगर इसमें जीवन को दोबारा से फ्लरिश मतलब फलना फूलना है, अगर दोबारा से इसमें जीवन फलेगा फूलेगा या फलना फूलना है, देन तो जम्बाजी सा दैट मैन वुड हैव टू लिव्स इन डिफरेंट वे, तो
तो लोगों को यहाँ पर अलग तरीके से रहना होगा। तो जम्बा जी ने देखा कि मनुष्य को यहाँ पर भिन्न तरीके से रहना पड़ेगा अगर इस जमीन को वापस से फलना फूलना है। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेनेट्स एंड बिलीफ, तो अलग तरीके से यहाँ पर रहना पड़ेगा, भिन्न तरीके से रहना पड़ेगा। एंड बिलीफ, बिलीफ मतलब अलग विश्वासों से रहना पड़ेगा, अलग धर्म के अनुसार लोगों को रहना पड़ेगा। जम्बाजी वांटेड दी अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाई एबुंडेंस ऑफ खेजड़ी। जम्बाजी जो चाहते थे वो क्या चाहते थे कि जो जमीन है, जो धरती है, जो अर्थ है, वो वापस से क्या हो जाए, वंस अगेन एबुंडेंस ऑफ खेजड़ी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ हो। ये जम्बाजी यहाँ पर चाहते थे, एक बार पुनः बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष पेड़ यहाँ पर चाहते थे। खेजड़ी वेर केर सांगरी ट्री, यानी कि जो पूरी भूमि है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर खेजड़ी के पेड़ हो, वेर के पेड़ हो, केर के पेड़ हो और सांगरी के पेड़ हो, ये जम्बो जी यहाँ पर चाहते थे। ही वॉन्टेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक टू फ्लोरिक अगेन, फेरोलिक अगेन। तो यहाँ पर वो क्या चाहते थे, यहाँ पर जम्बो जी चाहते थे कि काले हिरणों के समूह है पुनः खुशी से इधर उधर खेलें। ही वांटेड हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, यानी कि काले जो हिरण है उनका झुंड, टू फ्लोरिक अगेन, यानी वापस से वो खेले कूदे। फ्लोरिक मतलब खेलना कूदना हो गया यहाँ पर, कि जो काले हिरणों का जो झुंड है वो वापस से यहाँ पर खेले कूदे, क्योंकि वो बचपन में उनको देखते थे खेलते कूदते। ही वांटेड दिस, और वो चाहते थे कि लोग इसके लिए कार्य करें। वो रास्ता जानते थे जिससे इसको प्राप्त किया जा सके, जिससे बहुत सारे पेड़ यहाँ पर हो सकते हैं और उस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर क्या है, जो काले हिरणों का झुंड है वापस खेल सकता है, वो इस रास्ते को जानते थे। एंड ही बिगेन 45, और यहाँ पर वो अपना जो मैसेज है, वो अपना जो संदेश है, उसको ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उसको प्रसारित करना स्टार्ट कर देते हैं। कब, 1485 में। तो 1485 में वो अपना संदेश है उसको प्रसारित करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना संदेश है उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। हिज मैसेज इंक्लूड 29 बेसिक टेनेट्स। तो उसमें यहाँ पर उनके जो मैसेज थे उसके मैसेज में कितनी शिक्षाएं थी, 29 बेसिक टेनेट्स, यानी उसमें 29 वास्तविक क्या थी, शिक्षाएं थी या वास्तविक सिद्धांत थे। टेनेट्स मतलब कि सिद्धांत थे, तो उसमें कुछ आधारभूत मूलभूत 29 सिद्धांत थे। इन टू मेजर एंट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, उनमें से दो जो महत्वपूर्ण बताए गए हैं, दो महान धार्मिक आदेश जो दिए गए हैं। पहला आदेश दिया गया है कौन सा, कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, यानी किसी भी हरे पेड़ को काटना निषेध है, एक तो ये सिद्धांत दिया गया है। दूसरा, किलिंग ऑफ एनी जानवर को नहीं मारा जाएगा, किसी भी पशु की हत्या कर नहीं की जाएगी। ऐसे दो यहाँ पर दहान महान धार्मिक आदेश 29 में से दो बताए गए हैं। नेक्स्ट हम देखें, वाज ईगरली एक्सेप्टेड, और यहाँ पर जम्बाजी क्या करते हैं, जम्बाजी मानवता और सभी जीवों को सम्मान करने का संदेश देते हैं। एंड यहाँ पर क्या हो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ईगरली मतलब उत्सुकता से, जोश के साथ में, एक्सेप्टेड यानी कि ग्रहण करते हैं। तो जम्बाजी मैसेज ऑफ, तो जम्बा जी का जो मानवता का जो संदेश था, एंड रेस्पेक्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, और जो भी यहाँ पर जीवित प्राणी हैं, जो भी यहाँ पर जीवों का सम्मान करेंगे, सभी जीवों का सम्मान करने का उनका संदेश था, मानवता का संदेश था उनका जम्बा जी का, लोगों के द्वारा बहुत उत्साह के साथ में एक्सेप्टेड किया जाता है, ईगरली एक्सेप्टेड यानी कि उत्साह के साथ में लोगों के द्वारा उसको संदेश को एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। He noted the of hundreds of villages to reclothe, to
टू रिक्लॉथ, तो यहाँ पर उसकी हिज टीचिंग यानी उसकी जो शिक्षाएं थी, उसकी शिक्षाएं क्या करती हैं, उनकी शिक्षाएं प्रमोटेड, प्रमोटेड का मतलब उत्साहित करती हैं, इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेज यानी कि गांव के अंदर जो रहने वाले थे, इनहेबिटेंट्स मतलब हो गया यहाँ पर निवासी, गांव के निवासी थे, तो 100 के आसपास या हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों गांव के अंदर जो निवासी थे उनको यहाँ पर उत्साह देती है उनकी शिक्षा। रिक्लॉथ यानी वापस से कपड़े पहनाने की, द अर्थ विथ इट्स ग्रीन कवर, तो वापस से पृथ्वी को हरे कवर पहनाने की, हरे कवर का कपड़ा यानी कि हरे से बहुत सारे पेड़ पहनाने लगाने की यहाँ पर लोगों को उत्साह देता है, यानी पुनः इस तरीके का वस्त्र पहनाया जाए, यानी पुनः वृक्ष यहाँ पर लगातार लगाए जाए पृथ्वी पर ताकि पृथ्वी पर हरा भरा हो सके, ऐसा वो उनके जो संदेश हैं वो लोगों को उत्साह से बढ़ते थे। अब बात करें नेक्स्ट, हम जम्बाजी फॉलोअर वर कॉल्ड बिश्नोई, 20 and 9 days, 20 equal to 20 and 9 मतलब 9, बिकॉज दे एडहर्ड टू जम्बोजी 29 precepts, तो यहाँ पर जो जम्बाजी के फॉलोअर थे, तो जम्बा जी के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए हैं, बिश्नोई कहलाए हैं, क्योंकि 20 और 9 क्या होता है, 29 होता है, तो उसी के आधार पर इनको 20 और 9 बिश्नोई यानी 29, तो जम्बा जी के अनुयायी यहाँ पर बिश्नोई कहलाए थे, बिकॉज क्योंकि दे एडहर्ड टू जम्बोजी 29 परस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने जम्बा जी के जो 29 उपदेश हैं उनका यहाँ पर क्या किया था, पालन किया था, एडहर्ड टू, एडहर्ड टू मतलब होता है पालन करना, एडहर्ड टू मतलब पालन करना, दे एडहर्ड टू यानी कि उन्होंने पालन किया था, प्रिसेप्ट उनको लोगों ने माना था, तो 29 जो उपदेश दिए थे उनको लोगों ने माना था, इसलिए वो विष्णुई कहलाए। दे प्रिजर्व्ड द ट्री अराउंड दियर विलेज एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक वर्क एंड चिंकारा पी फॉल्स एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल, तो जो उसके अनुयायी थे दे प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मतलब कि वो बनाए रखते हैं, ऑफ द ट्री अराउंड दिस विलेज दियर विलेज, अपने गांव के चारों तरफ वो क्या करते हैं, वृक्षों को सुरक्षित रखते हैं, वृक्षों को बनाए रखते हैं, एंड प्रोटेक्टेड ब्लैक वर्क और काले हिरणों की वो सुरक्षा करते हैं, चिंकारा चिंकारा की सुरक्षा करते हैं, एंड पीफॉल, पीफॉल पीकॉक हो गया, मोरों की सुरक्षा करते हैं, और अन्य ऑन ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल, और बाकी जो पक्षी हैं उनकी भी वो सुरक्षा करते हैं, और यहाँ पर पीफॉल यहाँ पर है मोर के लिए, पीकॉक हो तो मोर की वह अन्य पक्षियों और पशुओं की यहाँ पर सुरक्षा करते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल। ग्रेजुअली दियर टेरिटरी बिकम कवर्ड बाई ट्री, और ग्रेजुअली मतलब हो गया यहाँ पर कि धीरे धीरे जो क्षेत्र है उनके क्षेत्र हैं, दियर टेरिटरी यानी उनके क्षेत्र है, बिकम कवर्ड बाई ट्री, तो उनके जो क्षेत्र हैं वो वृक्षों से ढक जाते हैं, एंड दियर केटल हैड अबुंडेंट ब्रोज, और जो उनके पशु है उनके लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चारा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में चारा हो जाता है। दियर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, और जो उनकी भूमि है उसके अंदर फर्टिलिटी आती है यानी कि उपजाऊपन आ जाता है, रिकवर्ड यानी वापस भूमि के अंदर उपजाऊपन आ जाता है, एंड बिश्नोई बिकम प्रॉस्पेरियस पीपल, और बिश्नोई है यहाँ पर क्या बन जाते हैं, प्रॉस्पेरियस यानी कि समृद्ध लोग बन जाते हैं, जिनके पास में सब कुछ हो, प्रॉस्पेरियस पीपल यानी समृद्ध लोग बन जाते हैं बिश्नोई यहाँ पर। बट आउटसाइड दियर टेरिटरी, लेकिन उनके क्षेत्र से बाहर, ऑल कंटिन्यू एज बिफोर, और उनके क्षेत्र के बाहर जो भी पहले से चल रहा था वही चलता रहता है। The land was still being stripped on its green cover and the desert was spreading. और भूमि है, भूमि पर हरी पट्टी यहाँ पर हट गई थी यानी कि पेड़ यहाँ पर काट डाले थे। The land was still being stripped. तो जो भूमि है उसके हरे पेड़ यहाँ पर काट डाले थे और भूमि से हरी पट्टी यहाँ पर हट गई थी। And desert was spreading. और जो रेगिस्तान है वो फैल रहा था। The 9th descendants of Jambaji कॉन्टेम्प्रेरी राव जोधाजी नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, और यहाँ पर क्या होता है, जो नौवा वंशज था राव जोधाजी का, तो जम्बाजी के समकालीन ही यहाँ पर बता
बताया गया है संभाजी कॉन्टेम्पररी, कॉन्टेम्पररी मतलब कि समकालीन। तो जम्बा जी के समय ही राव जो जोधा थे, राव जोधा का नवा वंशज नाउ ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ जोधपुर, यानी जोधपुर का जो सिंहासन है उसके हाथ में आता है। जो भी यहाँ पर राव जोधा जी का नवा वंशज था वो किसके समकालीन था? जम्बा जी के समकालीन था। इन दी सिक्स ईयर ऑफ हिज रीजन इन 1730, और 1730 में अपने शासन के छठे वर्ष में, 1730 में दिस महाराजा अभय सिंह, तो ये महाराजा थे अभय सिंह, इन्होंने डिसाइडेड टू लिए एक महल के निर्माण की इसने निश्चय किया। ए ब्यूटीफुल प्लेस मेड ऑफ फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर। तो यहाँ पर जो महाराजा अभय सिंह हैं वो स्वयं के लिए एक महल का निर्माण करने का निश्चय करते हैं, स्वयं के लिए एक महल बनाना चाहते हैं, और यहाँ पर किससे बनाना चाहते हैं? ए ब्यूटीफुल प्लेस मेड ऑफ फेमस सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर जो लाल पत्थर प्रसिद्ध थे उन लाल पत्थरों की मदद से वो एक सुंदर महल बनवाना चाहते थे। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, तो इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में किसकी आवश्यकता थी? लॉट ऑफ लाइम यानी कि चूने की आवश्यकता थी इसके अंदर, लाइम स्टोन। तो यहाँ पर इस महल के लिए बड़ी मात्रा में चूने की आवश्यकता थी। लाइम स्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट अबोंडेंट इन दी इन दिस ट्रैक्ट, और जो चूना का पत्थर है इस क्षेत्र में चूने का पत्थर प्रचुर मात्रा में था। बट परंतु इट हैड टू बी क्योर्ड दैट द लाइम क्लिंस वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल। तो यहाँ पर चूना तो पर्याप्त मात्रा में था, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु इसे पकाना था। इट हैड टू बी क्योर्ड यानी इसको पकाना था, क्योर्ड मतलब पकाना। एंड द लाइम क्लिंस वुड नीड टू लॉट ऑफ फ्यूल, और यहाँ पर चूनों के भट्टों के लिए क्लींज, मतलब हो गया भट्टा, तो क्लींज हैं जो लाइम क्लींज हैं, जो भी चूने के भट्टे थे उनके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल यानी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या चाहिए था? ईंधन चाहिए था। वाज नॉट ए, और यहाँ पर ये आसान काम नहीं था कि रेगिस्तान में इतना सारा ईंधन लाया जाए ताकि चूने को यहाँ पर पकाया जा सके, तो ये काम यहाँ पर आसान भी नहीं लग रहा था। तो क्या होता है यहाँ पर? बट एज लक, लेकिन भाग्य से, वुड हैव इट देयर वाज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई जस्ट 16 मील फ्रॉम जोधपुर। लेकिन यहाँ पर भाग्य से, भाग्य में था किसके? जोधपुर की बस्ती के, क्योंकि जोधपुर से केवल 16 मील दूर लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोई, यानी जोधपुर से केवल 16 मील दूर पर कौन रहते थे? बिश्नोई की एक बड़ी बस्ती थी जहां पर क्या था? बहुत ज्यादा मात्रा में फ्यूल था यानी लकड़ियां थी। दीज पीपल हैड एक्सेप्टेड जम्बाजी परस्पेक्ट नियरली 2.5 सेंचुरीज अगो, और ये जो लोग हैं जम्बाजी के जो भी सिद्धांत थे, परसेप्ट, परसेप्ट्स मतलब जो जम्बा जी के जो सिद्धांत थे उनको यहाँ पर कब से एक्सेप्ट किया था इन्होंने? पहले इन्होंने सिद्धांत है उनको स्वीकार किया था। एंड हैड नर्स्ड हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्री नियर दियर विलेज, और अपने जो गांव थे उसके पास में कितने पेड़ लगाए थे? सैकड़ों खेजड़ी के पेड़ यहाँ पर लगाए थे। तो खेजड़ी के वृक्षों के यहाँ पर पोषण किया था अपने गांव के पास में ही, सैकड़ों खेजड़ी के वृक्षों का इन लोगों ने पोषण किया था। एंड देयर वाज टू नियर वन ऑफ देयर विलेज, और यहाँ पर उनके गांव के पास में ही, तो उनके गांव के पास में ही क्या था? श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर भी मिल रहा था। विलेज खेजड़ली, तो खेजड़ली गांव है, खेजड़ली गांव के पास में ही श्रेष्ठ किस्म का, अच्छी किस्म का चूना पत्थर भी था और वहीं पर लकड़ी थी। तो श्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर भी था वहां पर और लकड़ी भी थी। इसलिए क्या होता है, अभय सिंह के दीवान हैं, ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं दैट कि द लाइम क्लींस वी स्टार्ट जल्दी टू बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेस, यानी जो महल बनाना है उसकी बनावट के लिए खेजड़ली गांव के पास में ही क्या लगाया जाए?
चूने की पत्थर चूने का जो भट्टा है वो लगाया जाए खेजड़ली गांव के पास में, कि वहीं से चूना मिल जाएगा, वहीं से लकड़ी मिल जाएगी। तो इसलिए उसी के पास में क्या लगाया जाए, भट्टे आरंभ कर दिए जाए ताकि राजमहल का निर्माण जल्दी से जल्दी किया जा सके। ऐसा अभय सिंह के दीवान है यहाँ पर आदेश देते हैं। वट परंतु जैसे ही यहाँ पर काम करने वाले थे वर्कर थे वो पेड़ों को काटना स्टार्ट करते हैं, किसके लिए, ईंधन के लिए, फॉर द फ्यूल यानी ईंधन के लिए। जैसे ही यहाँ पर श्रमिक ईंधन के लिए वृक्षों को काटने को तैयार होते हैं, दे फाउंड दैट उन्होंने पाया कि दी टच दी ट्री जो बिश्नोई हैं उनको पेड़ों को स्पर्श भी नहीं करने दे रहे हैं, यानी बिश्नोई हैं यहाँ पर वृक्षों को छूने भी नहीं दे रहे हैं, छूने भी नहीं देंगे। दियर खेजड़ी ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलोन और उनके यहाँ पर जो खेजड़ी के पेड़ हैं उनको अकेला छोड़ दिया जाता है और वैसा ही यहाँ पर छोड़ दिया जाए। टू कट दीज ग्रीन ट्री वाज ए वायलेशन ऑफ दियर रिलीजन, ऐसे पेड़ों को काटना ऐसे हरे पेड़ों को काटना उनके धर्म में क्या है, वायलेशन है। वायलेशन का मतलब उसका धर्म भंग करना है, उनके धर्म को नष्ट करना है। ऐसे वृक्ष हरे वृक्षों को काटना उनके धर्म में स्वीकार नहीं है, यानी उनके धर्म का वॉयलेशन यानी उल्लंघन है, नियम के विरुद्ध है। द वर्कर रिटर्न टू जोधपुर और जो वर्कर थे श्रमिक थे वो जोधपुर वापस इनरेंज्ड। तो जो दीवान है यहाँ पर उसको गुस्सा आता है, तो दीवान बहुत क्रोधित हो जाता है। वाट इंसोलेंस, ये क्या दृष्टता है, दृष्टता इंसोलेंस मतलब दृष्टता, ये क्या दृष्टता है, ये क्या मजाक है। इस बैक टू खेजड़ली विलेज एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्री बी कट, तो वो खुद क्या जाता है, वह दीवान है खुद घोड़े पर बैठ करके श्रमिकों के साथ कहाँ जाता है, हॉर्स बैक यानी घोड़े की पीठ पर के बैठ करके कहाँ जाता है, खेजड़ली गांव जाता है। एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्री टू बी कट, ट्री बी कट, तो आदेश देता है कि पेड़ जाए। द एक्सेस वर राइज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड, तो यहाँ पर क्या होती है, कुल्हाड़ियाँ उठाई गई वृक्ष काटने के लिए, यहाँ पर कुल्हाड़ियाँ उठाई जाती हैं और होल विलेज गैदर्ड पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। दे बेग्ड दैट दियर रीजन वी नॉट डिसीक्रेटेड, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं, डिसीक्रेट, डिसीक्रेट मतलब हो गया दूषित करना, वो यहाँ पर वीक मांगते हैं, वेग्ड मतलब यहाँ पर हो गया एक तरीके से वीक मांगना, प्रार्थना करना, तो वो प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि उनके धर्म को दूषित नहीं किया जाए, दैट दियर रिलीजन नॉट बी डिस्क्रीट यानी उनके धर्म को यहाँ पर दूषित ना किया जाए। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री दैट दियर नर्ट्रूड, नर्ट्रूड मतलब उनका पोषण करना, ओवर की जो उनकी पीढ़ियां थी वो उनका पोषण कर रही थी, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, दे प्लीडेड उन्होंने प्रार्थना की कि फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पेड़ों को बचाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं, क्यों प्रार्थना करते हैं, दैट दियर एंसिएटर यानी जो भी उनके क्या थे, पीढ़ियाँ थी, जो भी उनके पूर्वज थे, एंसिएटर यानी पूर्वज थे, जो भी उनके पूर्वज थे, एड नेट्यूड ओवर जनरेशन यानी कि कई पीढ़ियों से उन वृक्षों का पोषण किया है, तो उनको बचाए रखने के लिए वो यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। वट परंतु दीवान वाज डिटरमाइंड, तो यहाँ पर दीवान है उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था, द ट्रीज मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम क्लिंस, तो यहाँ पर दीवान निश्चय कर लेते हैं कि पेड़ों को काटना जरूरी है, किसके लिए, चूने के भट्टों के लिए पेड़ों को काटना जरूरी है ताकि ईंधन की पूर्ति की जा सके। ही ऑर्डर्ड द वर्कर टू गो अहेड और वो श्रमिकों को आदेश देता है कार्य चालू करने के लिए, यहाँ पर आदेश देता है,
गो अहेड मतलब आगे चलो, आगे काम करो, यानी अपना काम जो दिया गया है तुम्हें उसको पूरा करो। बट दी विश्नोई वर डिटरमाइंड टू, लेकिन यहाँ पर विश्नोई भी हैं, वो भी निश्चय कर लेते हैं। दी मोस्ट डिटरमाइंड अमोंग, और उनमें से सबसे ज्यादा जो निश्चय किया था वो कौन थी? दैट वाज वेरिटेबल इंक्रीनेशन ऑफ दुर्गा। तो जो यहाँ पर सबसे अधिक पक्का निश्चय करने वाली थी दुर्गा, यानी देवी माता के लिए यूज किया गया है वेरिटेबल इंक्रीनेशन। इंक्रीनेशन मतलब कि दुर्गा का जो अवतार, वेरिटेबल मतलब वास्तविक, तो वास्तविक दुर्गा का अवतार कौन थी? अमृता देवी। तो अमृता देवी थी जो वास्तविक दुर्गा का अवतार मानी जाती है। देवी माता दुर्गा का वास्तविक रूप अमृता देवी मानी जाती है। दी वाइफ ऑफ बिश्नोई राम खोड, तो जो कि राम खोड बिश्नोई की वो पत्नी थी। दी ट्री विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट। तो वो यहाँ पर दृढ़ निश्चय करती है कि पेड़ तब तक नहीं काटे जाएंगे जब तक तुम पहले हमें नहीं काट दोगे। वृक्ष कभी भी यहाँ पर नहीं काटे जाएंगे जब तक तुम सबसे पहले, अनलेस यू कट अस डाउन फर्स्ट, यानी जब तक तुम हमें नहीं काटोगे उससे पहले वृक्ष नहीं काटे जाएंगे, शी सेड, उसने कहा। एंड लड़कियों को बुलाया टू ज्वाइन हर, उसको सहयोग देने के लिए। दे क्लैप्ड फोर ऑफ ट्री, और वो यहाँ पर चार पेड़ों के चिपक जाती हैं, तीन उसकी लड़कियां और एक वो खुद, तो वे चार वृक्षों से यहाँ पर चिपट गई थी, चिपक जाती हैं। दीवान फूम्ड, तो दीवान को यहाँ पर क्रोध आ जाता है। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश देता है, तो दीवान को यहाँ पर क्रोध आ गया। फ्यूम, फ्यूम मतलब क्रोध करना, तो दीवान यहाँ पर क्रोध करता है और फिर आदेश देता है दैट ऑल फोर ऑफ देम बी कट डाउन विद दी ट्रीज, यानी उन चारों को पेड़ों के साथ क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए। दी एक्सिस फेल एंड ब्रेव वुमेन वर कट टू पीस, और यहाँ पर कुल्हाड़ियाँ चलती हैं, और कुल्हाड़ियाँ उन पर जब चली गई थी तो वीर छत्राणियों के, या जो वीर, जो छत्राणी नहीं है यहाँ पर, वीर स्त्रियों के, ब्रेव वुमेन यानी जो वीर स्त्रियाँ हैं उनके यहाँ पर टुकड़े हो गए, यानी टुकड़े टुकड़े उनके कर दिए गए। वट, परंतु दी विश्नोई वर नॉट वी काउड, लेकिन विश्नोई है यहाँ पर डरने वाले नहीं थे। नॉट बी काउड, काउड मतलब डरना। तो विश्नोई यहाँ मोर एंड मोर ऑफ देम कम फॉरवर्ड टू हर टू कट डाउन विथ देम, तो ज्यादा से और पेड़ के साथ ही काट दिए जाते हैं, कट डाउन विथ देम और पेड़ के साथ ही काट दिए जाते हैं। तो उनको देख करके और लोग आते हैं, और लोग पेड़ के आकर चिपक जाते हैं, और वो लोग भी उनके साथ में, यानी कि पेड़ों के साथ में काट दिए जाते हैं। दिस न्यूज ऑफ दिस मैस्केयर स्प्रेड रैपिडली, तो ये जो नरसंहार की जो न्यूज है, ये समाचार है, ये फैलता है रैपिडली, यानी बहुत तेजी से नरसंहार का जो समाचार पत्र है, समाचार है, ये समाचार है सिर्फ, तो ये जो समाचार वो तेजी से यहाँ पर रश्ड फ्रॉम दियर 84 सराउंडिंग विलेज टू हेल्प देम ब्रेव ब्रदर एंड सिस्टर। और यहाँ पर हजारों विश्नोई हैं जो कि उसके आसपास जो 84 गांव थे, 84 गांवों से हजारों विश्नोई हैं अपने बहादुर भाई बहनों का साथ देने के लिए आते हैं और सहायता के लिए तेजी से यहाँ पर आते हैं। ऑल टुगेदर 363 विश्नोई स्केयर्ड हेरिटेज, और वो यहाँ पर लगभग, यहाँ पर बताया गया है कि कुल टोटल कितने 363 विश्नोई पवित्र विरासत की रक्षा के लिए। स्केयर्ड हेरिटेज, हेरिटेज मतलब विरासत, स्केयर्ड मतलब पवित्र है, तो जो यहाँ पर पवित्र जो उनकी विरासत थी, सीक्रीड सैक्रीड हो गया यहाँ पर, सैक्रीड सैक्रीड मतलब जो पवित्र, और हेरिटेज मतलब विरासत, तो जो उनकी यहाँ पर पवित्र विरासत थी उसके लिए यहाँ पर 363 विश्नोई हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं, बलिदान देते हैं, अपने जीवन का यहाँ पर बलिदान दे देते हैं। एज मैन हु हैड नेवर इमेजिन्ड दैट थिंग्स कुड कम टू सच ए पास वर नाउ ट्रूली फ्राइटेंड। तो यहाँ पर जो महाराजा का आदमी था,
वो क्या करता है, घबरा जाता है। तो महाराज जाके आदमी जिन्होंने यह कल्पना कभी नहीं की थी कि ऐसा भी होगा, ऐसी स्थिति को देख करके वो हट जा जाता है और वास्तविक रूप से वो यहाँ पर क्या करते थे, डर गए थे, ट्रूली फ्राइटेंड। ट्रूली फ्राइटेंड का मतलब वास्तविक रूप से वो क्या गए थे, डर गए थे। दे रश्ड बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अभय सिंह, और वो यहाँ पर क्या करते हैं, अभय सिंह के पास घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए तेजी से जोधपुर जाते हैं। अभय सिंह सा क्लियरली, और अभय सिंह यहाँ पर क्लियरली देखते हैं, दैट हैड सक्सेसफुल, और यहाँ पर अभय सिंह है उसके पास में जब रिपोर्ट देने के लिए जाते हैं, तो अभय सिंह ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा कि वह शक्ति माइट हैज सक्सेसफुली चैलेंज्ड द पावर ऑफ औरंगजेब, यह वह शक्ति है जिसने औरंगजेब की शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। दे कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, तो जो यहाँ पर क्या थे, उदय सिंह, जिसने औरंगजेब के सामने क्या किया था, सांस का परिचय दिया था, वो ऐसी घटना के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। तो अभय सिंह एक स्पष्ट रूप से देखा था कि वह शक्ति जिसने औरंगजेब यानी बादशाह की शक्ति को सफलतापूर्वक चुनौती दी थी, ऐसे नैतिक सांस के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी, सकी थी, यानी औरंगजेब भी वहां पर उनके सामने कुछ नहीं कर सकता था। रोड टू खेजड़ली टू मेंड मैटर, और वो खुद कहाँ जाते हैं, घोड़े पर सवार होकर के स्थिति को सुधारने के लिए जाते हैं, कहाँ पर, खेजड़ली गांव जाते हैं। बिश्नोई दैट फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट दियर रिलीजियस प्रिंसिपल, और वो वहां पर पर्सनली जाते हैं और क्या देखते हैं, पर्सनली रोड टू खेजड़ली टू मी मेंड मैटर, यानी कि मामले को समझने के लिए खुद जाते हैं वहां पर। ही एश्योर्ड दी वीपिंग, और वो रोने वालों को यहाँ पर, जो भी यहाँ पर जो लोग रो रहे थे, रोते हुए लोगों को विश्वास दिलाते हैं। एंड एग्नोस्ड मास ऑफ थाउजेंड, यानी जो भी रो रहे थे, पीड़ित हजारों बिश्नोई थे, उनको इन पर विश्वास दिलाया, क्या विश्वास दिलाया, एट फ्रॉम नाउ यानी कि अब से, ऑन ही वुड फुल्ली रेस्पेक्ट दियर रिलीजियस प्रिंसिपल, यानी जो भी उनके धार्मिक सिद्धांत हैं उनका पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा। ए कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड विथ दिस प्रॉमिस वाज प्रेजेंटेड टू दी बिश्नोई, और एक यहाँ पर कॉपर प्लेट यानी ताम्र की पट्टी पर यह खुदा हुआ एक वचन लिखा गया, जो कि बिश्नोई गांव के निकट यहाँ पर बिश्नोइयों को भेंट कर दिया गया, ऐसा वचन खुदवा करके यहाँ पर बिश्नोइयों को भेंट कर दिया जाता है। हिंसफोर्थ यानी हम कह सकते हैं तब से हम बात करें, हिंसफोर्थ हिंसफोर्थ द इंस्क्रिप्शन सेड, और यहाँ पर इस घटना के बारे में बताया गया है, हिंसफोर्थ द इंस्क्रिप्शन सेड, जो वचन कहता है गांव के पास में कोई भी क्या नहीं काटा जाएगा, हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। इंस्क्रिप्शन का मतलब है यहाँ पर कि जो यहाँ पर बताया गया है, जो उसमें खुदवाया गया है, इंस्क्रिप्शन यानी खुदवाया गया, जो खुदवाया गया हिंसफोर्थ, हिंसफोर्थ का मतलब है आगे से, तो आगे से उसमें खुदवाया गया था, वो यहाँ पर लिखा हुआ था कि कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा। नो वुड एनी एनिमल वी हंटेड इन दियर वैसिनिटी, और उनका जो क्षेत्र है उसमें कोई भी कभी भी पशुओं का शिकार नहीं किया जाएगा। वैसिनिटी मतलब जो आस पड़ोस का क्षेत्र है, उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें भी कोई पशुओं का शिकार यहाँ पर नहीं किया जाएगा। फिर क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट हम देखें, टू एंड हाफ सेंचुरीज हैव पास्ड, यानी दो और ढाई शताब्दियां यहाँ पर गुजर जाती हैं, दो से ढाई शताब्दियां गुजर जाती हैं। यहाँ पर जो बिश्नोई हैं वो वृक्षों की रक्षा कर रहे हैं, giving सक्सर
टू दी वाइल्ड एनिमल ऑफ राजस्थान, और राजस्थान के जो जंगली जानवर हैं उनको क्या दे रहे हैं, ये सहायता दे रहे हैं। सक्सर टू दी वाइल्ड एनिमल ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो जंगली जानवर हैं उनको सहायता दे रहे हैं। हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 सेंचुरी, तो यहाँ पर बताया गया है कि लगभग 5 शताब्दियों से बिश्नोई है वृक्षों की रक्षा कर रहे हैं, और राजस्थान हरियाणा और मध्य प्रदेश के जो भी जंगली पशु हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। एवरीवेयर एल्स यानी प्रत्येक स्थान पर, द ग्रीन कवर ऑफ द इंडियन सब्सिक्वेंट हैज बीन रिवीज्ड एंड दी कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रॉयड एट दी एवर एसिलरेटिंग पेस। यानी भारतीय महाद्वीप के जो भी हरा आवरण है, हरे वृक्ष हैं, उनको नष्ट कर दिया गया है। कंटिन्यू टू बी डिस्ट्रॉयड यानी कि उनको नष्ट कर दिया गया है, और एन एवर एसिलेटेड पेस यानी पहले से ज्यादा तेजी से गति से, एसिलेटिंग एसिलेटिंग मतलब बढ़ा देता है, तो पहले से ज्यादा तेजी से यहाँ पर क्या है, नष्ट किए जा रहे हैं। जो भी पेड़ हैं, हरे पेड़ हैं, पहले से ज्यादा तेजी से काटे जा रहे हैं, तीव्र गति से नष्ट हो रहे हैं। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ब्लैक बक दैट वंस रोम, और यहाँ पर जो हजारों काले हिरण हैं जो कभी भारतीय मैदानों में घूमते थे, द वंस रोम्ड द इंडियन प्लेन। रोम्ड मतलब घूमना, इंडियन प्लेन यानी कि भारतीय मैदानों में जो हजारों काले हिरण हैं यहाँ पर घूमते थे, दे ऑल हैव वैनिश्ड विदाउट ए ट्रेस। तो वो सारे हैं यहाँ पर क्या हो गए, लुप्त हो गए, उनका कोई भी चिन्ह नहीं है। विदाउट ए ट्रेस यानी अब उनका कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है। बट परंतु नियर दी फ्यू बिश्नोई विलेज, लेकिन परंतु क्या है, परंतु नियर दी फ्यू कुछ बिश्नोई के जो गांव हैं, कुछ गांव के निकट ग्रीनली यानी कि हरियाली ही नहीं, बट आल्सो एवर ऑन द इंक्रीज एंड अराउंड दियर विलेज। यानी कि जो खेजड़ली गांव के जैसे बिश्नोइयों के जो गांव हैं वहां पर हरियाली ही नहीं है, हरियाली के साथ साथ में वो हरियाली क्या हो रही है, इंक्रीज भी हो रही है, यानी हरियाली बढ़ भी रही है, हरियाली विद्यमान भी नहीं है, हरियाली में वृद्धि भी हो रही है। एंड द ब्लैक बक रोम्स एज फ्रीली एज द कालीदासा टाइम नियर दी आश्रम ऑफ सेग कन्वा। और यहाँ पर काले हिरण हैं वो घूमते हैं गांव के निकट, काले हिरण भी उतनी स्वतंत्रता से घूमते हैं जैसे कालिदास के समय ऋषि कण्व के आश्रम में के निकट यहाँ पर जो हिरण घूमते थे। सेग कण्वा यानी सेग मतलब आश्रम, आश्रम ऑफ सेग कण्वा यानी जो ऋषि कण्व है उसके आश्रम के निकट जैसे काले हिरण घूमते थे कालिदास के समय, उसी तरह यहाँ पर खेजड़ली गांव है उसके आसपास भी काले हिरण घूमते हैं। अकबर वाज सो अमेज्ड टू सी दीज हर्ड्स ऑफ फियरलेस ऑफ ब्लैक वर्क्स नियर बिश्नोई टेम्पल दैट ही पर्सिड विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सत्य युगा द एज ऑफ ट्रूथ इन दी कलयुगा दी करप्ट प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि बिश्नोइयों के मंदिर के पास में दी अकबर ऑफ फियरलेस ब्लैक बक यानी कि बिना डरे निर्भीक रूप से जब ये काले हिरण घूमते हैं, तो उस घूमते हुए काले हिरणों को कौन देखता है, अकबर देख करके अमेज्ड, अमेज्ड मतलब कि आश्चर्य से अकबर इनको देखता है, अचंभित रहता है कि इस भ्रष्ट कलयुग में एज विटनेसिंग ए सीन फ्रॉम सतयुग, यानी ये सतयुग के दृश्य हैं, ये सतयुग के दृश्य हैं, ये इस भ्रष्ट कलयुग में कैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अकबर इसको देख करके अचंभित रहता है, उसने इस भ्रष्ट कलयुग में सतयुग के दृश्य का साक्षी बनने के लिए अपने आश्चर्य को व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर बताया है। यानी करप्ट प्रेजेंट यानी वर्तमान में किस तरीके से भ्रष्ट है, उसमें भी सतयुग के जैसे हमें क्या दिख रहे हैं, काले हिरण, निर्भीक रूप से ऋषियों के यानी कि जो यहाँ पर बताए गए हैं बिश्नोइयों के गांव हैं उनके पास में काले हिरण बिना डरे घूम रहे हैं, वो उसकी तुलना यहाँ पर सतयुग के उदाहरण से की है कि कलयुग जैसी भ्रष्ट में सतयुग के जैसे दर्शन कैसे हो सकते हैं, ऐसा तो सतयुग में होता है, कलयुग में ऐसा कैसे हो सकता है। इस बात पर अकबर को यहाँ पर आश्चर्य होता है, अचंभा होता है, तो व्यक्तिगत रूप से इस बात की वो
पुष्टि करते हैं, व्यक्तिगत रूप से इस बात को वो बताते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, दिस साइट इज इवन मोर एस्टोनॉइसिंग फॉर अस टूडे देन इट वॉज फॉर इम्पीरियर अकबर 4 सेंचुरीज अगो। तो यहाँ पर 4 शताब्दियों पहले अकबर के लिए जो दृश्य यहाँ पर आश्चर्यजनक था, एस्ट्रोनिशिंग एस्ट्रोनिशिंग फॉर अस, तो वो भी हमारे लिए, यह दृश्य हमारे लिए आज भी आश्चर्यजनक है, यानी कि ऐसा ही दृश्य हमारे लिए आज भी बिश्नोइयों के गांव के आसपास में हमें क्या मिल जाते हैं, काले हिरण मिल जाते हैं। तो दिस साइट इज इवन मोर एस्ट्रोनिशिंग फॉर अस, यानी हमारे लिए ज्यादा आश्चर्यजनक है, किसके कंपेरिजन में, इट वॉज द एम्पीरियर ऑफ अकबर फॉर 4 सेंचुरी अगो, यानी 4 शताब्दियों पहले जो बात अकबर के लिए आश्चर्यजनक थी वो हमारे लिए अब ज्यादा आश्चर्यजनक है। बिकॉज फॉर दी बिश्नोई कंटिन्यू टू होल्ड ऑन दियर डे, तो आज भी यहाँ पर बिश्नोई है अपने शानदार समारोह और धुन को यहाँ पर मानते हैं। एट दी विलेज खेजड़ली, यानी कि खेजड़ली गांव में, वेयर दी बिश्नोई पास्ट दी सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, तो जहाँ पर बिश्नोइयों ने अपनी कठिन परीक्षा में सफल हुए थे, सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, यानी कि अपनी जो कठिन परीक्षा थी वहां पर बिश्नोई हैं यहाँ पर सफल हुए थे, उस गांव खेजड़ी में आज भी देयर वाज वन एंशियंट खेजड़ली ट्री, यानी प्राचीन एक खेजड़ी का पेड़ है, विच एस्केप्ड दिस मैसकेयर, जो कि ये जो मैसकेयर था, जो ये दुर्घटना हुई थी जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे, उनमें से एक पेड़ है यहाँ पर बच गया था। तो इस दुर्घटना से, इस संघार से एक पेड़ वहां पर बच गया था जो यहाँ पर काटा नहीं गया था। टू दी विश्नोई प्लांटेड 363 मोर ट्रीज अराउंड इन दी मेमोरी ऑफ दियर 363 मार्टियर्स, यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो 363 लोग यहाँ पर मारे गए थे, उन 363 लोगों की याद में यहाँ पर क्या लगाए गए हैं, 363 पेड़ हैं। 202 वर्ष पहले बिश्नोइयों ने अपने 363 शहीदों की याद में यहाँ पर वृक्ष के चारों ओर, जो वृक्ष था उस वृक्ष के चारों ओर तीन लगाए हैं और वृक्ष लगाए गए हैं। एंड दीज ट्रीज बींग न्यूटर्ड विथ लव्स एज दे आर, और ये जो पेड़ हैं इनको वृक्षों को पोषण प्रेम से किया गया है, यानी इनका जो देखभाल की गई है वो प्रेम से की गई है। नेट्यूर्ड मतलब पोषण, न्यूटर्ड हो गया यहाँ पर पोषण, यानी उनका जो पोषण है वो बड़े प्यार प्रेम से किया गया है। आर ग्रोइंग फास्ट, और ये तेजी से यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ये पेड़। एवरी ईयर देयर इज ए रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट 5 days बिफोर दी फुल नून ऑफ दी मंथ, तो यहाँ पर प्रत्येक साल है, देयर इज ए रिलीजियस फेयर, यानी एक यहाँ पर एक धार्मिक मेला लगता है, एट दी स्पॉट 5 days, यानी इस जगह पर 5 दिन का एक धार्मिक मेला लगता है। और इस धार्मिक मेला है कब लगता है, 5 days बिफोर दी फुल मून ऑफ मंथ, फुल मून ऑफ मंथ ऑफ भाद्रपद, यानी कि भाद्रपद के दिन, यानी हम कह सकते हैं कि भाद्रपद की जो पूर्णमासी है, फुल मून मतलब पूर्णमासी, तो भाद्रपद की पूर्णमासी से 5वें दिवस पूर्व, 5 days before, यानी 5 दिवस पूर्व क्या लगता है, एक धार्मिक मेला यहाँ पर लगता है। इट इज ए ऑकेजन विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ, इन हिज लाइफ, तो अपने जीवन में जो भी पेड़ों के प्रेमी हैं, जो भी वृक्षों से प्रेम करते हैं, वो जीवन में कम से कम एक बार इस वृक्ष मेले को देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वृक्षों के बारे में या फिर बिश्नोइयों की कहानी के बारे में बताया गया है वो महादेव गौड़गिल ने यहाँ पर बताया है, यानी कौन है ये, माधव, माधव गौड़गिल हैं ये यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर अबाउट दी ऑथर हम देखते हैं, ऑथर के बारे में क्या बताया गया है, माधव धनंजय गौडगिल बॉर्न 1942, तो माधव धनंजय गौडगिल है, इनका जन्म कब होता है, 1942 में होता है। और ये एक भारतीय क्या है, पारिस्थितिकी विज्ञानी है, इकोलॉजिस्ट मतलब पारिस्थितिकी विज्ञानी, एडमिशियन एकेडमिशियन एकेडमिशियन होता है,
एकेडमिक मतलब शिक्षा से, एकेडमिशियन मतलब कि शिक्षाविद हैं ये, एंड राइटर लेखक भी हैं ये, और क्या है कॉलमिस्ट, कॉलमिस्ट मतलब होता है जो स्तंभकार हैं, तो कॉलमिस्ट हैं स्तंभकार हैं, एंड दी फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर इकोलॉजिस्ट इकोलॉजिकल साइंस, और ये पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र के क्या हैं संस्थापक भी हैं। ही इज ए वॉल्वो एनवायरमेंट को क्या मिला हुआ है, वॉल्वो पर्यावरण पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवार्ड, और जो यहाँ पर चौथा उच्चतम नागरिक अलंकरण अवार्ड है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो पद्मश्री भी इनको 1981 में मिला हुआ है, एंड आल्सो दी पद्म भूषण इन 2006, और यहाँ पर इनको पद्म भूषण भी 2006 के अंदर ये मिला हुआ है, तो पद्म भूषण मिला हुआ है। तो अबाउट दी टेक्स्ट के बारे में बात करें, यानी पाठ के बारे में क्या बताया गया है, दिस टेल इज अबाउट दी विष्णु विष्णुई कॉमी के बारे में, विष्णुई समुदाय के बारे में है। दैट ब्रॉट ए ड्रास्टिक चेंज इन दी इकोलॉजी ऑफ मारवाड़ इन राजस्थान, जो कि यहाँ पर राजस्थान का जो मारवाड़ का क्षेत्र है उसकी परिस्थिति में बहुत सारा परिवर्तन ये लाती है। ड्रास्टिक चेंज यानी अभूतपूर्व परिवर्तन वो लाती है, तुरंत परिवर्तन वो लाती है, अभूतपूर्व परिवर्तन लाती है। दिस एरिया हैड बीन वेरी ड्राई फोर सेंचुरीज, तो यहाँ पर क्या है, ये जो क्षेत्र था अत्यधिक शुष्क रहा है बहुत क्षेत्र, शताब्दियों पहले की बात है, बहुत शताब्दियों से ये बहुत शुष्क रहा है। वेयर ट्रीज एंड एनिमल वर नॉट इन ए सफिशियंट नंबर, यानी कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ना तो पशु थे ना ही पेड़ थे। दी विष्णुई सेक्रीफाइड दियर लाइफ टू गार्ड दी खेजड़ी ट्री, और यहाँ पर विष्णुई हैं अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं किसके लिए, खेजड़ी पेड़ की सुरक्षा के लिए अपनी जीवन का बलिदान दे, और इस क्षेत्र में वो बहुत ज्यादा पेड़ यहाँ पर लगाते हैं, अत्यधिक पेड़ यहाँ पर भी लगाते हैं। दे कंट्रीब्यूटेड ए ग्रेट डील टू प्रोटेक्ट वर्ल्ड एंड एनिमल, और वो यहाँ पर क्या करते हैं अत्यधिक योगदान देते हैं किसके लिए, पक्षियों की सुरक्षा के लिए, पक्षियों को प्रोटेक्ट करने के लिए और जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जानवरों की सुरक्षा के लिए वो बहुत ज्यादा योगदान यहाँ पर देते हैं।